भैया कौन मर गया? हम ही मर गए भैया। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं। ट्रेलर देखकर पूरी फिल्म का अंदाजा मत लगाइए। फिल्म देखने के लिए आपको कानपुर ले चलते हैं। असली किरदार तो ये संतोष मूरत सिंह, गले में मैं जिंदा हूँ का पोस्टर टांग कर जमीन पर बैठ गए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इनका नामांकन खारिज कर दिया गया है क्योंकि सरकारी दस्तावेज पर संतोष मूरत सिंह मृत है। पुर में आए थे नामांकन भरने, यहाँ भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ इन लोगों का, अधिकारियों का कहना है कि जहाँ पे आप मरे हो वहीं पे आप जाके नामांकन भरो, वहीं पे जिंदा हो, यहाँ नहीं हो सकता। पिछले 20 सालों से वो अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए वो कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। पहले भी उनका नामांकन खारिज हो चुका है और इस बार फिर वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। संतोष के डेडमैन बनने की कहानी ऐसी है कि नाना पाटेकर से शूटिंग के दौरान मिलने के बाद वो साल 2000 में मुंबई चले गए और जब लौटे तो उनके हिस्से की करीब 12 एकड़ जमीन पट्टेदारों ने उन्हें मृत बताकर अपने नाम करा ली। बस फिर यहीं से शुरू हुई उनके खुद को जिंदा बताने की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट।